एक एकेडमिक एक्सरसाइज के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक बॉडी बना दी। इसका हासिल क्या? शून्य बटा सिफर, शून्य बटा सन्नाटा। प्लानिंग कमीशन से क्या दिक्कत है? सिर्फ इसलिए ना कि नेहरू के जमाने से वो था, तो नेहरू के जमाने की तो बहुत सारी चीजें आप ढो रहे हैं, मजबूरी है आपकी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नेहरू के इमेजिनेशन के बगैर नहीं चलेगी, चाहे वो आप तीसरा टर्म ले लें। मैथमेटिकल रियलिटी से हकीकत नहीं बदलती है, हकीकत बदलेगी जब आप पहलकदमियां क्या ठोस लेते हैं। और वहां मैं नीति आयोग को फेलियर मानता हूं, इट्स अ फेल्ड आइडिया। तो जाहिर तौर पर आपको रिवाइव करना चाहिए। और इस जो 240 वाला मैंडेट है बीजेपी का, उसका भी संदेश यही है कि कलेक्टिव शुड बी रिस्टोर्ड। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। मुझे क्यों पूछते हैं आप लोग? मुझे बेहद दुख होता है इस बात का कि जब प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति ये कहता है कि विपक्ष बरगला रहा है, अरे युवाओं को बरगला लेंगे हम? इतनी हमारी हैसियत नहीं है? कभी प्रधानमंत्री जी सीधा संवाद असल में नहीं करते। उन युवाओं से बात कीजिए ना जो सेना में भर्ती के लिए कोशिश कर रहे थे। सेना कैसा सोचती थी अग्निवीर के बारे में? जो पोटेंशियल रिक्रूटमेंट के लिए तैयारी, वो क्या सोचते थे? प्रधानमंत्री जी आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, ये मैंडेट आपको सुनने के लिए दिया गया है। डेवलप द आर्ट ऑफ लिसनिंग। आप सुनाते बहुत हैं प्रधानमंत्री जी, सुनते बिल्कुल नहीं है। सुनिए, आपका भी भला होगा, देश का भी भला होगा। और ये आपने जो शुरू किया ना फोर्सेस से CISF CRPF 10% हम 10%, ये आपका डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज है, ये नहीं चलेगा। अपने आप राज्यों के मुख्यमंत्रियों को खड़ा कर रहे हैं 10% 10%, डैमेज कंट्रोल नहीं। डू अवे विद दिस आइडिया, दिस इज अ माइंडलेस आइडिया। आप अपनी सेना के साथ खिलवा,